Hello students, welcome back in the social studies classes, and I'm Sheikh Tiwari welcoming everyone here in this video series where I'm going to provide you the videos of class 10th economics chapter 2 sectors of the Indian economy. Here I'm going to explain you the very next lecture of the very sixth lecture of this chapter. स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे. यहाँ मैं आपको प्रोवाइड करने चल रहा हूँ सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 6, जहाँ पे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस को हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ा. उससे जुड़े हुए आपके क्वेरीज नहीं आते हैं. अक्सर मुझे इस बात की चिंता होती है कि आपकी क्वेरीज नहीं आती हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ये चीज़ें इनफैक्ट क्लियर होनी चाहिए. ये दो तरफा मोड होता है स्टडी, और यहाँ पे एक तरफे मुझे दिखाई पड़ता है केवल मैं ही बोले जा रहा हूँ, मैं ही क्वेश्चन किए जा रहा हूँ, आपकी ओर से कोई रिस्पॉन्स आता दिखता नहीं है. हाउएवर, मैं अगला लेक्चर लेके चल रहा हूँ, और इस उम्मीद से कि आप आपके बार लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे. सबकी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देखने को नहीं मिल रही है. पता चलता है कि वीडियो के एक दिन के बाद भी 10 से 12 लोग वॉच करते हैं. ये दिखाता है कि क्या इंटरेस्ट है आपका पढ़ने लिखने का. ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही पेनफुल है, होनी नहीं चाहिए, बट आई एम वॉचिंग कि हो रहा है. हावेवर, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले लेक्चर में ये सब चीज़ें ना देखने को मिले. ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन यहाँ आता है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है. इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ने चल रहे हैं. ओके, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल इन अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. हम ये देखते हैं या हम विचार कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर में एक विचारणीय, एक सोचने लायक जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कृषि में पाई जाती है, खेती में पाई जाती है. देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल. ऐसे बहुत से लोग हैं जो कृषि में एम्प्लॉयड नहीं हैं, जो कृषि में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, किसी भी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट नहीं है. इन व्हाट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल. तो क्वेश्चन ये उठता है कि वो क्या रास्ता हो सकता है जिसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है. इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि तीनों ही सेक्टर एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट करते हैं, करते हैं, बट एक कंसिडरेबल मैनर में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलती है. तो इस अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को कैसे कम किया जा सकता है, इन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. सो लेट अस लुक एट सम ऑफ देम. ऑलराइट, सो टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विथ अ 2 हेक्टेयर्स प्लॉट ऑफ अनइरीगेटेड लैंड. ओके, हम लोग देखते हैं, टेक द केस ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी के मामले को लेते हैं, लक्ष्मी के केस को लेते हैं, जहाँ पे लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर जो है लैंड है जो कि अनइरीगेटेड है, सिंचाई के साधन नहीं है उस पर. द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन. उसमें सरकार की ओर से कुछ पैसे मिल सकते हैं लोन के रूप में, बैंक से उसको लोन मिल सकता है बैंक से. टू कंस्ट्रक्ट वेल फॉर हर फैमिली टू इरीगेट द लैंड, जिससे कि वो उस पैसे से एक कुआँ बनवा सके अपने खेत के पास, जिससे कि वो उसमें इरीगेशन को पॉसिबल कर सके. ओके, कुछ लोन उसको कुआँ बनाने के लिए मिल जाता है. लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरीगेट, उसके बाद लक्ष्मी एबल हो जाएगी अपने खेत को इरीगेट कर पाने में, हर लैंड, अपने लैंड को, एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप, और वो सिंचाई के सोर्सेस को अवेलेबल कर पाने के बाद, जहाँ वो साल भर में केवल एक खेती कर पाती थी, अब वो एक से अधिक फसल भी उगा सकती है. मीन्स शी कैन ग्रो 2 क्रॉप्स एटलीस्ट इन अ ईयर. ओके, वीट ड्यूरिंग द रबी सीजन, जहाँ वो एक रबी सीजन में वीट भी प्रोड्यूस कर सकती है.
So let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment of 2 people for 50 days. हम ये देख सकते हैं कि वीट की फसल अगर 50 दिन की होती है तो इसका मतलब होता है कि वीट की 1 हेक्टेयर की फसल उसकी 2 लोगों को 50 दिन की जॉब प्रोवाइड कर सकती है, इंक्लूडिंग सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइजर, ठीक है, ये सारे प्रोसेस जो हैं एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग, ये सभी प्रोसेस को यूज़ करते हुए 50 दिन के लिए 1 हेक्टेयर में 2 लोगों को काम मिल सकता है. सो 2 मोर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड, ठीक है, तो 2 और मेम्बर्स जो हैं फैमिली के वो इम्प्लॉय हो सकते हैं अपने ही खेत में. नाउ सपोज अ न्यू डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड, अब मान लो कि एक नया डैम जो है बनाया गया है ना, एंड कैनल्स आर डग टू इरीगेट मेनी सच फॉर्म्स, और इसके अलावा नहर वगैरह जो है बना दी गई, कैनल्स बना दिए गए ना, जिससे कि और ऐसे ही फॉर्म्स की सिंचाई पॉसिबल हो सके. सो दिस कुड लीड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. अब इसकी वजह से क्या होगा कि और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है एक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत, विद इन इट्सेल्फ रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, और ख़ुद से एग्रीकल्चर अपने अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को सॉल्व आउट कर सकती है. अब आप देखिए कि एक फसल जो है अगर वो उगाते हैं तो एक फसल उगाने में उनको एक पूरे एक साल में एक फसल उगाते थे तो 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाता था बस, वो भी 50 दिन के लिए, बाकी सीजन के लिए वो खाली होते थे तो अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती थी. डैम या वेल बन जाने से सिंचाई के साधन उपलब्ध हो गए, अब उस खेत में ही 1 से अधिक फसल को बोया जा सकता है, अर्थात या मतलब कि आप एक फसल को एक एक ईयर में आप 1 से ज़्यादा क्रॉप बो सकते हैं, तो जितनी ज़्यादा क्रॉप होगी उतने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उतने ज़्यादा दिनों के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एक सिक्योरेंस हो जाएगी जॉब की, और इसके साथ साथ उससे क्या हो जाएगा, उससे सिक्योरेंस हो जाएगी कि आमदनी भी उतने ही गुना बढ़ जाएगी. ओके तो इस तरह से नहरों और इन चीज़ों से मल्टीपल टाइम में क्रॉपिंग हो सकती है और इस अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को दूर किया जा सकता है. ओके नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, अब मान लो कि जितना लक्ष्मी पहले प्रोड्यूस करती थी उससे ज़्यादा उसने प्रोड्यूस करना शुरू किया, क्योंकि अब ज़्यादा खेती होने लगी तो ज़्यादा उसने प्रोड्यूस करना शुरू किया. दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस, अब उसके बाद उनके पास इतना हो गया सरप्लस में कुछ हो गया कि वो अपनी फसल को उन्हें आवश्यकता हुई कि उसमें से कुछ वो बेच दें. फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स, जिसके लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए टू अ नियर बाई टाउन, जहाँ नज़दीक के किसी कस्बे में जाकर के अपनी फसल को बेचने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी. सो इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन इन स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, तो अगर सरकार वहाँ पर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दे ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने के लिए, स्टोरेज क्रॉप्स की स्टोरेज करने के लिए, और मेक्स बेटर रूरल रोड्स सो दैट मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर ना, और अगर छोटे छोटे अच्छी सड़कें बना दें अगर गांव में तो छोटी छोटी ट्रक्स वगैरह भी वहां पे पहुंच सकती हैं. सेवरल फार्मर्स लाइक लक्ष्मी की तरह कई और किसान जो है हु नाउ हैव एक्सेस टू वाटर, जिनका पानी के सोर्सेस में एक्सेस है, कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल दीज क्रॉप्स, तो वो लगातार इन फसलों को बो सकते हैं और सेल कर सकते हैं. तो आप देखिए कि रोड बन जाने से ट्रांसपोर्टेशन के साधन उपलब्ध हो जाएंगे, कुछ लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जा रहा है ना यहाँ पे. अब देखिए इस चीज़ को कि एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट हो सकता है और भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है इस तरीके से. सो ये चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन हो जाना, कुछ लोगों को ट्रांसपोर्टेशन को, कुछ लोगों को लोडिंग अनलोडिंग का, और अगर इसके अलावा जो है वहाँ पे इस फसल को स्टोर करने की, क्रॉप स्टोरेज की फैसिलिटीज़ अगर मिल जाती है आसपास में तो उससे भी कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मिल जाएंगी एवल एग्रीकल्चर से जुड़ करके. सो दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर बट ऑल्सो अदर सच एज दोज इन सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, तो जो लोग ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में हैं उन्हें भी ना एग्रीकल्चर करने, खेती करने के अलावा ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए होंगे, जो ट्रेड से जुड़े हुए होंगे, जो स्टोर कीपिंग से जुड़े हुए होंगे, ऐसे तमाम लोगों को और एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल
हो जाएगा. ओके, लक्ष्मी नीड नेक नीड इज़ नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन. लक्ष्मी की ज़रूरतें केवल पानी तक सीमित नहीं है. टू कल्टिवेट द लैंड शी ऑल्सो नीड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट एंड पंप सेट टू ड्रॉ वाटर. ठीक है, उसे फसलों के मतलब उसको जो है पानी के साथ साथ सीड भी चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए औजार चाहिए, पंप सेट चाहिए जिससे कि पानी ड्रॉ निकाल सके ज़मीन के अंदर से. बीइंग अ पुअर फार्मर, एक गरीब फार्मर होने के नाते, शी कैन नॉट अफोर्ड मेनी ऑफ दीज. वो इनमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकती है. सो शी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स. तो उसे साहूकार से पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं एंड पे अ हाई रेट. ओके, और एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ सकता है. ठीक है, तो बाकी चीज़ों को खरीदने के लिए लक्ष्मी जैसे किसानों को मनी लेंडर साहूकारों के पास जाना पड़ सकता है और उनसे उधार लेना पड़ सकता है जो उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होती है. इफ़ द लोकल बैंक गिव्स हर क्रेडिट, अगर लोकल बैंक्स उसको उधार देते हैं, क्रेडिट मतलब उधार, एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक का रेट जो है रीजनेबल होता है, तो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर बैंक उनको क्रेडिट देता है, उधार देता है, शी विल बी एबल टू बाई ऑल दीज. तो वो एबल होगी इन सब को खरीद पाने में, इन टाइम समय से सारी चीज़ों को खरीद पाने में एबल होगी. एंड कल्टिवेट हर लैंड, और अपने लैंड को कल्टिवेट कर पाने में भी वो एबल होगी. दिस मीन्स दैट द अलॉन्ग विथ वाटर, इसका मतलब पानी के साथ साथ वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट. ठीक है, पानी के साथ साथ हमें आवश्यकता होगी कि हम सस्ते रेट पर उनको कृषि के लिए उधारी दें, उनको लोन प्रोवाइड करें टू द फार्मर्स फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव. ना, किसानों को फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए सस्ते रेट पे क्रेडिट भी उपलब्ध कराई जाए, उन्हें उधार भी उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वो अपनी खेती को कंटिन्यूसली कर सकें. ठीक है, वी विल लुक एट सम ऑफ दीज नीड्स इन चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट में. हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि और कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है. हाउएवर, अनदर वे बाई विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज़ टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड. ओके, एक और तरीका हो सकता है जहाँ से हम इस समस्या को, एम्प्लॉयमेंट की समस्या को टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, वो ये होता है कि पहले आइडेंटिफाई किया जाए, प्रमोट किया जाए. ठीक है, पहले क्या किया जाए, पहले आइडेंटिफाई किया जाए, पहले फिर प्रमोट किया जाए और लोकेट किया जाए इंडस्ट्रीज़ को. ठीक है, एंड सर्विसेस को सेमी रूरल एरियाज, मतलब कि सेमी अर्बन एरियाज़ में या अर्ध जो है शहरी क्षेत्रों में. ठीक है, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मे बी एम्प्लॉयड हो सकते हैं. ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे सेमी रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाए, प्रमोट किया जाए इनसे जुड़े हुए सॉल्यूशंस को, और इंडस्ट्रीज़ को लोकेट किया जाए इन एरियाज़ में अगर, तो उससे बड़े पैमाने पे या लार्ज नंबर में जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो सकता है. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में, सपोज मेनी फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी, मतलब पल्स क्रॉप्स. बहुत से लोग अरहर और बाकी और दालों की फसलों को उगाना चाहते हैं. सेटिंग अप अ दाल मिल, वो एक दाल मिल सेटअप करते हैं टू प्रोक्योर एंड प्रोसेस दीज. ना, वो दाल को प्रोक्योर एंड प्रोसेस करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और उसको साफ सुथरा करने के लिए उन्हें ना उन्हें एक मील में एंड सेल इट इन द सिटीज इन वन सच एग्जांपल, और उसको शहरों में बेचने के लिए. ठीक है, वो इतना सब कुछ चाहते हैं. इन सब चीज़ों से हर एक प्रोसेस पे कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है इस प्रक्रिया में. ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज, इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स, किसानों को कोल्ड स्टोर खोल करके भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ स्टोर कर सकें, लाइक पोटैटोज एंड ओनियंस एंड सेल देम व्हेन द प्राइस इज़ गुड, और वो उस समय निकाल करके बेचें जब अच्छी कीमत मिल सके बाज़ारों में. तो ये सब और इन सब की प्रक्रियाओं में कईयों को नौकरी मिल सकती है, कई लोगों को जॉब मिल सकती है. तो ये जो प्रक्रियाएँ हैं इसमें भी बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है. ओके, इन विलेज नियर फॉरेस्ट एरियाज, गांव, वो गांव जो फॉरेस्ट एरियाज के नज़दीक में हैं. ठीक है,
वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स, वहाँ पे हनी मधु जो है उसको कलेक्शन करने के सेंटर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, शहद जिसको कहते हैं, वेयर फार्मर्स कैन कम, जहाँ पे किसान आ सकते हैं एंड शेल वाइल्ड हनी और जंगली मधु या शहद वहाँ पे बेच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे काम करने में भी दो चार लोगों को हम एक बार में जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेटअप इंडस्ट्रीज़, ये भी इसके अलावा संभव है कि हम इंडस्ट्री सेटअप करें दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ओके, जहाँ पे प्रोसेस हो सके वेजिटेबल और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, वीट, टोमेटो, फ्रूट्स, ना, मतलब जहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग संभव हो सके। आज ग्रामीण स्तर पे भी इंडस्ट्रीज़ आप लगाइए चाहे नहीं, नॉन टेक्निकल नॉन मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, घरेलू उद्योग जिसको कहते हैं, वहाँ पे भी बड़े पैमाने पे चिप्स, पापड़ और तमाम चीज़ें, आलू की और बहुत सी चीज़ों की, ना, इसके अलावा स्वीट पोटैटोज, राइस, वीट एंड टोमेटो, फ्रूट्स, जैम वगैरह, ये सब तमाम तरह की चीज़ें आज बन रही हैं, सॉस बन रहा है, तो ये सब प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो बड़े पैमाने पे इनसे भी, फूड प्रोसेसिंग से भी जॉब क्रिएट किया जा सकता है, विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट, जहाँ से बनने के बाद वो चीज़ें ना बाहर के बाज़ारों में बेचे जा सकते हैं। दिस विल प्रोवाइड ना, जैसे कि पापड़ वगैरह हो गया, अचार बनाना हो गया, ये तमाम तरह की चीज़ें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनसे बना करके आप उनसे कई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आंवला हो गया, उसके मुरब्बा और तमाम चीज़ें बना करके, जैम्स वगैरह बना करके आप बाज़ारों में सेल कर सकते हैं। तो ये सब रूरल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के तरीके हो सकते हैं, विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट्स। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड इन द सेमी रूरल एरियाज़। तो इस तरीके से सेमी रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाता है, प्रोवाइड हो सकती है, एंड नॉट नेसेसरली इन लार्ज अर्बन सेंटर। और आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़े अर्बन सेंटर्स में ही जा कर के इसकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, ओके। सो डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60%, आप जानते हैं कि देश में 60% पॉपुलेशन बिलोंग टू द एज ग्रुप 5 to 29, जहाँ 5 से लेकर 29 साल की उम्र के लोग हैं, 60% लोग। आउट ऑफ दिस ओनली 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, केवल 51% लोग हैं जो स्कूल वगैरह का एजुकेशन ले रहे हैं, द रेस्ट आर नॉट, दे मे बी एट होम और मेनी ऑफ देम, ना, वो या तो घर पे होंगे 9% के लोग, या फिर मेनी ऑफ देम बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबरर्स, उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो चाइल्ड लेबरर की तरह काम कर रहे हैं, मतलब कि एक लेबर की तरह फंक्शन कर रहे हैं, ओके। सो इफ़ दीज चिल्ड्रेन आर टू अटेंड स्कूल, अगर इन बच्चों को स्कूल अटेंड कराया जाए, वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, तो हमें और बिल्डिंग्स की ज़रूरत होगी ना, मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ्स की ज़रूरत होगी। अ स्टडी कंडक्टेड बाई द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, जिसको आज नीति आयोग कहते हैं, ठीक है, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, NITI का, तो इसको जो है उनकी ओर से एक एस्टिमेट किया गया, एक उनकी ओर से सर्वे किया गया ना, एस्टिमेट्स दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन, कि केवल जो है एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस किया जा सकता है अकेले। सिमिलरली इफ़ वी आर इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशंस, अगर हम हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव कर दें, वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा, इनकी भी हमें आवश्यकता पड़ेगी ढेर सारी मात्रा में, टू वर्क इन रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके काम करने की आवश्यकता होगी, ओके। सो दीज आर सम वेज बाई विच जॉब्स वुड बी क्रिएटेड, इन सब तरीकों से भी जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं, एंड वी वुड ऑल्सो बी एबल टू एड्रेस, और हम सक्षम होंगे एड्रेस कर पाने में द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम एड्रेस कर पाने में इन माध्यमों से, मतलब कि हम डेवलपमेंट के अलग अलग तरीकों को एड्रेस कर पाने में हम सक्षम होंगे इन तरीकों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एवरी स्टेट और रीजन, हर राज्य या फिर हर क्षेत्र हैज पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम, उनके पास क्षमता है कि वो इनकम को बढ़ा सकते हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया, और उस एरिया में लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ा सकते हैं। इट कुड बी टूरिज़्म, ये टूरिज़्म हो सकता है, ठीक है, जिसके माध्यम से रोज़गार बढ़े। रीजनल क्राफ्ट है,
क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं जो हथकरघा हथशिल्प वाले, एंड न्यू सर्विस लाइक आईटी के नई सर्विसेज हैं उनके माध्यम से. सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग, इनमें से कुछ चीज़ों को प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट और सरकार की ओर से सपोर्ट जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल द सेम स्टडी बाई द प्लानिंग कमीशन सेज, प्लानिंग कमीशन की स्टडी कहती है कि इफ़ द टूरिज़म एज अ सेक्टर इज़ इम्प्रूवड, अगर एक सेक्टर के रूप में टूरिज़म को इम्प्रूव किया जाए, ओके, एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल, तो हम हर साल 35 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं केवल इसके माध्यम से. ओके, वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशंस डिस्कस्ड अबव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट, कई सजेशंस ऐसे हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने में एक लंबा समय लग सकता है. ठीक है, इसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए. फॉर द शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए अगर देखा जाए, सो वी नीड सम क्विक मेजर्स, हमें कुछ तेज कदम उठाने की आवश्यकता है. रिकॉग्नाइजिंग दिस, इसको पहचानते हुए द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भारत सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत में ना, उसने एक लॉ इम्प्लीमेंटेशन किया जिसको हम राइट टू वर्क कहते हैं, काम पाने का अधिकार नाम से एक राइट टू वर्क इंट्रोड्यूस किया. ओके, इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, जो भारत के 625 जिलों में लागू किया गया, इट इज़ कॉल्ड, ठीक है, तो ये जो किया गया, लागू किया गया राइट टू वर्क 625 जिलों में काम लागू किया गया, और इसी को जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या 2005 या मनरेगा 2005 कहा गया. ठीक है, मनरेगा एक्ट, इसको नरेगा पहले कहते थे, 2005 में जब ये लॉन्च हुआ 6 में, तो इसको नरेगा कहते थे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. फिर 2009 में इसको नाम दे दिया गया मनरेगा, महात्मा गांधी नाम दे दिया गया, तो ये मनरेगा हो गया. अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू ना, इस एक्ट के तहत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्वेश्चन पूछता है, इस एक्ट के तहत हु आर एबल टू, जो लोग सक्षम हैं एंड आर इन नीड ऑफ, या जिनको आवश्यकता है, वर्क इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में सक्षम हैं और काम की आवश्यकता भी है, आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उन्हें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है इस एक्ट के तहत, इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा एक साल में रोजगार देने की बात की जाती है. ओके, इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी, अगर सरकार जो है, इसमें कंडीशन ये है, अगर सरकार फेल होती है एम्प्लॉयमेंट दे पाने में ना, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 डेज, अगर 100 दिन से कम का रोज़गार दे पाने में सक्षम नहीं होती है सरकार, 100 दिन तक के रोज़गार, सो इट विल गिव अंडर एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल, तो उसे ना बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है किसानों को, लोगों को जो इस योजना से जुड़े होते हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता, जितने दिन तक आपने रोज़गार नहीं दिया उसको, उसके बदले में आपको अलाउंसेस भत्ते देने पड़ते हैं, कुछ पैसे देने पड़ते हैं लोगों को. सो द टाइप्स ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर दिस एक्ट. सो इस तरह की योजना से जो है भविष्य में कुछ कुछ जो है भविष्य में चल करके इससे कुछ प्रॉफिट हो सकता है, कुछ यू नो इंक्रीज प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ सकता है लैंड से, और इसको प्रेफरेंस अंडर द एक्ट, इसको प्रेफरेंस दिया जा सकता है. ठीक है, 100 डेज़ का रोज़गार होता है, जहां आज के दर में 150 से 200 रुपये के आसपास, 200 के करीब रुपये आज मिल रहे हैं इसके तहत प्रतिदिन. ठीक है, तो जो इस योजना में शामिल होते हैं उनको इस तरह से इसका लाभ मिलता है. तो तमाम तरीके हैं स्टूडेंट्स जिनके मीडियम से, जिनके माध्यम से आप एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नो डाउट ये एक बड़ा लेक्चर था, बट एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था. आप इनके सिनॉप्सिस तैयार करेंगे इस लेक्चर के, कि कौन कौन सी तरीके से जॉब क्रिएट की जा सकती है रूरल एरियाज़ में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, आपको ये प्रिपेयर करना है. फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही. फिर से अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो आप हमारे लेक्चर को जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तो बस इन्हीं के साथ आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं, फिर अगले लेक्चर मिलेंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू, हैव अ गुड डे.